हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अभी जस्ट एक महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कोरोना वायरस के ऊपर। जी हाँ, तब इंडिया में सिर्फ 3 कंफर्म केसेस पाए गए थे और सिर्फ 17 ऐसी कंट्रीज थी जहाँ इसके इक्के दुक्के केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। आज के डेट में जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज हमारे 100 से भी ज़्यादा देशों में इसका स्प्रेड हो चुका है और सिर्फ इंडिया में 78 से भी ऊपर कन्फर्म केसेस पाए जा चुके हैं। कोरोना वायरस का खतरा अब हकीकत बन चुका है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में सही सही इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो। इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाली हूँ उसका सारा इन्फॉर्मेशन मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से लिया। जी हाँ, जहाँ पे आपको सही सही जानकारी दी जा रही है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इसके बारे में उसके बारे में सटीक जानकारी दी जा रही है। इसीलिए आपको कोई भी अगर डाउट लगे, कुछ भी अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमेशा WHO के वेबसाइट को विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वेबसाइट का लिंक भी दिया है। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें मुख्यतः बताऊंगी। सबसे पहले इसके क्या सिम्टम है, कोरोना वायरस के क्या सिम्टम है। दूसरा, इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। ये 3 मुख्य बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है हमें जानना। हो सकता है आप जानते भी हों लेकिन ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन जा सके। सबसे पहले बात करते हैं इसके क्या सिम्टम होते हैं। देखिए, कोरोना वायरस एक नया तरह का वायरस है, इसका नाम COVID-19 वायरस भी दिया गया है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसमें देखा गया है कि ये नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू जैसा है। जी हाँ, सर्दी होती है, खांसी होती है, कुछ केसेस में देखा गया कि निमोनिया के लक्षण आते हैं और कई केसेस में किडनी फेलियर भी देखा गया है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा फील हो, बॉडी में टायर्डनेस लगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लगे, काफ़ी ज़्यादा छींक हो, खांसी हो, अगर आपको इनमें से सिम्टम दिखे तो आपको तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना है। जी हाँ, अगर आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो कोशिश करें कि हम 1 से 2 दिन वॉच करें, क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन करें, खुद को एक जगह सेफ़ रखें। अगर आप 1 से 2 दिन में नोटिस कर रहे हैं कि नहीं ये सारे सिम्टम आ रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर को मिलना है। अब बात करते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। जी हाँ, एक ब्लड टेस्ट जिसका नाम है PCR, उसे कंडक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि ह्यूमन के ब्लड में इसके सिम्टम है या नहीं है, ह्यूमन के ब्लड में इसका प्रेजेंस है या नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा देखा जाता है तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। अब बात करते हैं इससे बचाव कैसे करना। जी हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो हम बहुत ज़्यादा आप कर भी रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से करना आपको शुरू कर देना है। सबसे पहली चीज़, बार बार हाथ धोना। जी हाँ, जितनी बार आप सोप से, साबुन से जितनी बार आप हाथ धोते हैं उतना ज़्यादा चांस होता है कि वायरस आपकी हथेली पे नहीं रहेगा। बिकॉज वायरस क्या है, हथेली से जब आप नोज़ छूते हैं, आइज़ छूते हैं, माउथ छूते हैं तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है बार बार हाथ धोना। दिन में जितनी बार हो सके आप साबुन से हाथ धोएं। अगर आपको फ्रिक्वेंटली बाहर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप हैंड वॉश पे ध्यान दें। अगर आप हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करें, जिसमें कम से कम 70% जो मात्रा है वो अल्कोहल की हो। दूसरी चीज़ ये है ट्रैवलिंग के बारे में। जी हाँ, कोशिश करें, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो ट्रैवल ना करें, खुद को घर में रखें। बिकॉज आप देख रहे होंगे दिल्ली में स्कूल, कॉलेजेस, थिएटर सब कुछ बंद कर दिया गया। धीरे धीरे काफ़ी स्टेट्स में ये हो रहा है। गवर्नमेंट बार बार एडवाइजरी दे रही है कि ट्रैवल आप अवॉइड करें अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो ये चीज़ आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। तीसरी चीज़ ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के बारे में। जी हाँ, अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है तो यूज़ करें, लेकिन हैंड ज़रूर सैनिटाइज़ करें। लिफ्ट को कोशिश करें कि लिफ्ट के बटन को आप हाथ से टच ना करके या तो कोहनी का इस्तेमाल करें या टिश्यू पेपर की हेल्प से करें और फिर उसे डिस्पोज कर दें। जब भी आप बाहर से अगर घर में आते हैं तो सबसे पहले क्लोथ्स को चेंज करें, हैंड को अच्छे से वॉश करें और उसके बाद ही आप घर की बाकी चीज़ों को करें। बिकॉज़ ये क्या होता है, एक इंसान से दूसरे में स्प्रेड कर जाता है। हो सकता है आपने कुछ भी ना किया हो लेकिन बगल वाले इंसान को हो सकता है इसका अटैक हो वायरस का, तो वो छींकता है तो हवा में जो उसके छींक के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और आप उसे इनहेल कर लेते हैं, फिर ये आप में भी आ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग छींकते हैं, खांसते हैं, उनसे कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। 5वीं चीज़, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बिकॉज अभी वेदर चेंज हो रहा है तो नॉर्मल फ्लू होना भी एक आम चीज़ है, तो अभी क्या इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है तो अवॉइड करें बाहर जाना। बिकॉज अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है और आप बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए हेल्थ अच्छी नहीं है तो घर में रहें। 6वीं चीज़, मॉल्स,
पब्लिक प्लेस, थिएटर, इन सब जगह, पब्लिक गैदरिंग, जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ जाना अवॉइड करे। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करे। अभी जितना हो सके घर में चीज़ें बनाएं, घर में फ्रेश फूड खाएं, और बाहर बच्चों को लेके जाना बिल्कुल अवॉइड करें, बिकॉज़ हमें बिल्कुल नहीं पता है कि किस इंसान को इन्फेक्शन हुआ है, किसे नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि गैदरिंग अवॉइड करके हम खुद को सेफ रखें। एक चीज़ और, हैंडशेक जो हम फ्रिक्वेंटली करते हैं वो हमें नहीं करना है। अभी मैंने देखा न्यूज़ में ट्रम्प का एक वीडियो आ रहा था, जी हाँ, यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प का, कि इट्स बेस्ट टू ग्रीट पीपल लाइक नमस्ते। तो नमस्ते करके आप ग्रीट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे कल्चर में है, तो क्यों नहीं हम नमस्ते ही करें, हैंडशेक करने से बचें। बिकॉज हैंडशेक जब हम करते हैं तो वो, अगर हमें भी वो वायरस हुआ है तो दूसरे को भी ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, पैनिक नहीं करें, जागरूक रहें, ध्यान रखें अपना, अपने परिवार के लोगों का, और उन्हें बताएं कि ये क्या है, किससे स्प्रेड हो रहा है, ताकि लोग जागरूक रहें और उन सब चीज़ों से बच के रहें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो हमें पता है, मैंने आपको अभी, जो मुझे पता है, जो मैंने आपको भी बताई है। अगर इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें, लोगों को ज़रूर बताएं। और कोई भी गलत वीडियो जिसमें बताया जाता है कि ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है, ये मेडिसिन खा लो, ऐसा करो, बिल्कुल नहीं, सब चीज़ें भी अवॉइड करें। बिकॉज़ अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, कोई मेडिसिन नहीं आई है, बस सिम्टम है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और कुछ लोग क्योर भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक होप भी है कि ये जल्द से जल्द इसे हम क्योर भी कर लेंगे। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ का डाउट लगे तो सिर्फ और सिर्फ WHO की वेबसाइट को आपको कंसल्ट करना है। एक चीज़ और, गवर्नमेंट ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं हर स्टेट के लिए अलग अलग, तो वो नंबर्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देती हूँ। मैंने आज ही सुबह ट्विटर पर देखा तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा, तो मैं उसे आपसे भी शेयर करती हूँ। उस चीज़ को आप ध्यान रखें, अगर किसी को ज़रूरत हो तो ज़रूर इसे शेयर करें, और अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहे मॉमिस प्लानेट इंडिया। थैंक यू।